जानकारी प्राप्त करना है। और इंजीनियरिंग लाइन में जो आपका सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। पहले आपका ड्राइंग कंप्यूटर या ड्राइंग पेपर पर आपका एग्जाम होता था, अभी भी होगा, वह जो है प्रैक्टिकल एग्जाम के समय होगा, मगर कुछ जो क्वेश्चन है तो टेट वेजी से टेट जो आपका क्वेश्चन होगा एग्जाम पैटर्न होगा क्वेश्चन, उसमें आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बताएंगे लेटर ड्राइंग से संबंधित, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, यहाँ पर आप देखें। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या है, प्लेट अर्थिंग है, और प्लेट अर्थिंग में कई पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की जो है एक एक भाग को हम बताएंगे, और इसका साइज क्या होता है या किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है, और इस प्लेट की गहराई कितनी होती है, कितने गहराई में इस प्लेट का प्लेट अर्थिंग किया जाता है, प्लेट का साइज कितना होता है, उसके बाद इसमें क्या क्या जो है जुड़े हुए पार्ट्स हैं, उसके बाद इसमें जो है जो हमारा प्लेट है और हमारी जो पाइप है ये किससे जुड़ा होता है, तो ये हमारा नट एंड बोल्ट से जुड़ा होता है जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्लेट है, जो हमारा प्लेट अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग का जो ऊपरी भाग है ये हमारा क्या है, कवर प्लेट है, क्या चीज़ है, कवर प्लेट है। यह जो कवर प्लेट होता है यह जो है कास्ट आयरन का बना होता है, किसका, कास्ट आयरन का बना होता है, यह जो है ढकने का काम करता है, ये जो हमारा फनल है, ठीक है, जिसमें हम पानी को डाल करके हम प्लेट अर्थिंग करते हैं ताकि नमी बना रहे, यह जो है कवर करता है ढक्कन, ठीक है। दूसरा जो बात है कि ये जो क्या है फनल और ये जो पाइप दिख रहा है ये किसका बना होता है, ये जो है ये जी आई पाइप का बना होता है, किसका, जी आई पाइप का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन ये पाइप का बना होता है ताकि इसमें जंग ना लगे, ठीक है, ज़्यादा समय तक चले और हमारा जो है अर्थिंग का कार्य होता रहे। दूसरी बात है कि इसमें जो है ये जो हमारा गैल्वेनाइज्ड आयरन है और ये जो हमारी प्लेट है, इस जो हमारा प्लेट होता है ये प्लेट जो है किस मटेरियल का बना होता है, तो प्लेट जो है हमारा कॉपर का बना होता है, किसका, मगर ये जो प्लेट होता है इस प्लेट का साइज कितना होता है, तो प्लेट का जो हमारा साइज होता है 60 × 60 × 3.18 सेंटीमीटर होता है, 60 × 60 × 3.18 का मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, 60 का मतलब होता है लेंथ, 60 का मतलब होता है बेस, और ये जो हमारे होती है थिकनेस होती है, ठीक है, 3.18 क्या होती है, मोटी जो है प्लेट होती है, और ये जो है सेंटीमीटर में होता है, ये इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरी बात है कि जो हमारा प्लेट होता है और हमारी जो गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो हमारी पाइप होती है इसे जो है नट एंड बोल्ट की सहायता से क्या दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भाग बना हुआ है, आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है इस भाग का क्या नाम है या इस भाग ये भाग क्या दर्शाता है, ये जो है क्या दर्शाता है, जो टेढ़ा मेढ़ा जो लाइन से बना हुआ दिख रहा है ये क्या है, इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ जब हम गड्ढे की खुदाई करते हैं, ठीक है, गड्ढे की खुदाई करते हैं गड्ढा जो है हमारा बहुत प्लेन नहीं होता है, क्या होता है, ऊपर डाउन होता है, तो उसका जो है ये शॉर्ट ब्रेक लाइन के द्वारा दिखाया जाता है, ये किसके द्वारा, शॉर्ट ब्रेक लाइन के द्वारा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं इसका क्या मतलब होता है, तो जो गड्ढा होता है वो तो पूरा प्लेन तो होता नहीं है, उसको दिखाने के लिए ये किया जाता है। उसके बाद इसमें तीन जो है काम जो है क्या लगाई जाती है, जैसे हमारा सॉल्ट हो गया, उसके बाद हमारी नमक हो गए, उसके बाद हमारा क्या है चारकोल हो गया, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर मोटी क्या की जाती है, इसमें परत बिछाई जाती है, ठीक है, पहले इसमें नमक का परत, उसके बाद हमारा चारकोल का परत करने के बाद ये 15 सेंटीमीटर तक क्या की जाती है, प्लेट का क्या दिया जाता है, इसमें बिछा दिया जाता है ताकि ये हमारी नमी को बरकरार रखे, समझ में, और इसमें देखिए एक एक चीज मैंने लिखा है यहाँ पर कि जो है इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है, वन लाइनर अभी क्वेश्चन लिखा, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले हमने यह लिखा है कि प्लेट अर्थिंग
पर है कि 1.5 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक की गड्ढा जो है ओपन करके हम क्या करते हैं, प्लेट अर्थिंग करते हैं। जैसे मान लो कि 1 मीटर में 3.25 फीट होता है, यानी 3 मीटर मतलब कम यानी 10 फीट तक गड्ढा खोल सकते हैं या उससे ज़्यादा भी खोद करके हम प्लेट अर्थिंग करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि प्लेट अर्थिंग का साइज क्या होता है, तो प्लेट अर्थिंग का जो हमारा साइज होता है 16x16x3.18 सेंटीमीटर का जो है प्लेट होती है। तीसरा जो हमारा आता है प्लेट किसका बना होता है, तो कॉपर की बनी होती है, आप सभी को पता है कॉपर का क्यों बना होता है, ठीक है। चौथा जो है हमारा पाइप जो है किसका बना होता है, GI का बना होता है, GI का इस्तेमाल होता है गैल्वेनाइज बैरल, ठीक है। पाँचवा जो हमारा पॉइंट्स है, पाइप और प्लेट को नट एंड बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है, जो कि अभी अभी हमने बताया। और यह जो है आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, कैसे पूछेगा क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ कि आपका ये डायग्राम बना रहेगा प्लेट अर्थिंग के साथ, और यहाँ पर जो है एरो मार्क दिखा करके यहाँ पर पूछ लिया जाएगा इस एक्स वाले भाग का क्या नाम है। तो ये एक्स वाला जो भाग है नट बोल्ट है, क्या है, नट बोल्ट। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ड्राइव के मुताबिक एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके बाद छठा है हमारा अर्थिंग वायर जो है कितना से कितना मोटा मोटा जो है हमको लेना चाहिए, तो 8SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज जो है 8 नंबर का साइज का होना चाहिए, या कितना होना चाहिए मैक्सिमम 14SWG तक का वायर हम प्रयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं प्रयोग कर सकते, ठीक है। 17 नंबर हमारा पॉइंट है फनल के ऊपरी सिरे को मतलब किस प्लेट से ढकते हैं, तो कास्ट आयरन की प्लेट से ढकते हैं। यहाँ से भी MCQ क्वेश्चन बना सकता है, फिगर दे करके आपको एक्स वाला भाग का नाम पूछ सकता है, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं 18 नंबर पॉइंट, कास्ट आयरन की प्लेट का जो साइज होता है कितना होता है, 30x30 सेंटीमीटर का बना होता है, ठीक है, ये वाला भाग का कुछ ना साइज। इसके बाद हम बात करते हैं 9वां नंबर पॉइंट, GI पाइप का प्रयोग पानी डालने के लिए किया जाता है, जो हमारा ये GI पाइप है और उसमें फनल है, ठीक है, ऊपर में फनल बना हुआ है। फनल इसलिए बना है कि जो हम पानी डालें जब हमारी आवश्यकता हो नमी की, तो हम क्या करते हैं बीच बीच में पानी को डालते हैं। पानी डालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में फनल बनाया गया है ताकि अच्छे से पानी हमारा पाइप के माध्यम से और प्लेट तक आसानी से पहुँच सके, क्लियर है। इसके बाद है 10वां नंबर पॉइंट, GI जो पाइप है इसका डायमीटर कितना होता है, तो 19.4 mm का होता है। ये जो हमारा GI पाइप है ये हमारा पूछना इसका डायमीटर कितना होता है, ठीक है, इसका व्यास कितना होता है, तो 19.4 mm का हमारा क्या होता है व्यास का बना होता है, ठीक है, ये देखो। इसके बाद बात करते हैं 11 नंबर, GI पाइप की लंबाई कितनी होती है, ये जो हमारी GI पाइप होती है इसकी लंबाई कितनी होती है। और ये चीज़ और कभी कभी फिगर में आपको देखे होंगे कि यहाँ पर ऐसे ही इजेक्ट कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं। 11 नंबर पॉइंट, जो हमारी GI पाइप है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 1.2 मीटर तक का होता है, कितना 1.2 मीटर, ठीक है, इतना लंबा होता है। अच्छा, अभी हम बता रहे थे कि ये जो हमारा है कभी कभी फिगर में इस प्रकार का दिखा दिया जाता है ओपन करके, इसका मतलब क्या होता है पूछ लेगा, इसका एक्स का भाग यानी ई जो है इस भाग का क्या काम होता है, ये क्यों दर्शाया जाता है। तो जहाँ पर लंबी जो है पाइप होती है या लंबी दूरी कोई सूचना सूचित किया जाता है, कोई चीज़ को दिखाना दिखाया जाता है, जैसे बहुत लंबी पाइप है तो हम रेलवे को उतना बड़ा नहीं दिखा सकते या रेलवे लाइन की पटरी में उतना बड़ा नहीं दिखा सकते, तो हमें दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम उस वहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, क्या करते हैं ब्रेक, ये इनको ब्रेक करके दिखाया गया है। इसका मतलब है कि ये जो पाइप है ये और भी लंबा हो सकता है, ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ये भाग जो है क्यों ओपन किया जाता है, तो ये जो है लंबी दूरी को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे रेलवे लाइन की पटरी है और बहुत बड़ी लंबी पटरी है तो हम उसको दिखा नहीं सकते, तो हम लॉन्ग ब्रेक लाइन से दिखाते हैं। अगर कहीं बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहे तो जैसे आपने देखा होगा कि बाल्किंग हैमर जब हम बनाते हैं, बाल्किंग हैमर बना के उसके हैंडल को दिखाते हैं, तो वहाँ पर भी देखिए किस प्रकार से हम दिखाते हैं हैंडल को, तो मान लेते हैं इस हैंडल को अगर हमें दिखाना हुआ तो हम इस प्रकार से दिखाते हैं, तो बच्चा समझता है कि ये हैंडल टूट गया है, नहीं, ये हैंडल जो है अपने कार्य के अकॉर्डिंग हम और लंबा उसमें जुड़ा हुआ हो सकता है।
क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा इस वाले भाग का नाम क्या है। ये साठ ग्रेड लाइन दिखाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है खाली स्थान दिखाया गया है, इसलिए ये जो है पाइप जो है हमारी बहुत लंबी भी हो सकती है। क्लियर है। इसके बाद हम 12 नंबर जो हमारा पॉइंट है, पावर हाउस में प्लेट अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा पावर हाउस होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लेट अर्थिंग का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लेट अर्थिंग का प्रयोग पावर हाउस में किया जाता है या नहीं किया जाता है। ऑप्शन वहाँ चार ऑप्शन बना सकता है या क्वेश्चन बना देगा कि पावर हाउस में किस जो है अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है, प्लेट अर्थिंग का, पाइप अर्थिंग का या कोई और दे देगा चार ऑप्शन। तो आपको जब आप पढ़े रहेंगे अच्छे से तो आप आंसर बना सकते हैं। इसमें पावर हाउस में जो है प्लेट अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 13 नंबर पॉइंट से नट और बोल्ट जो है किसका बना होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ऑप्शन बना सकता है चार ऑप्शन, जो नट एंड बोल्ट है किस मटेरियल का बना होता है। तो नट एंड बोल्ट जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। क्लियर है। तो ये रहा आपका प्लेट अर्थिंग से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड आप पोएम से भी क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ लें। और जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो आपको डायग्राम भी देगा ताकि बनाने के लिए। ठीक है। और फिर ट्यूशन में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट में हम आपको पाइप और पेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एंड एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कराएंगे। ठीक है। धन्यवाद।